हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ हरे मटर की इडली, जो खाने में स्वादिष्ट तो है ही और हेल्दी भी बहुत है। तो देखते हैं, इसे बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। 1 कप ताजे हरे मटर, 1 कप सूजी, 1 कप दही, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, नमक। सबसे पहले हमें मटर को ग्राइंड करना होगा। मटर के साथ हम इसमें अदरक, हरी मिर्च और धनिया मिलाकर पीस लेंगे। देखिए, इस तरह का हमें पेस्ट बना लेना स्मूथ। देखिए, अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसी के साथ हम इसमें सूजी डाल देंगे, दही मिला लेंगे, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सूजी को 10 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद चेक कर लेंगे। देखिए, सूजी अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिला लेंगे। इसका बैटर थोड़ा ठीक ही होना चाहिए। अब हम इसमें तड़का दे देंगे। तो चलिए तड़के की तैयारी करते हैं। तड़का पैन रख देंगे गर्म होने के लिए। उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल के गर्म होते ही राई डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून चना दाल, 1/2 टेबल स्पून धुली उड़द दाल, कड़ी पत्ता डाल देंगे तोड़कर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तड़का दे देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खाने का सोडा डाल देंगे 1 टेबलस्पून पानी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इडली के बर्तन को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। और बैटर रख देंगे। देखिए, इडली के बर्तन में मैंने सारे बैटर को रख लिया है। अब चलिए इसे स्टीम दे देंगे। पानी बॉईल होने के लिए रख दिया मैंने। अब पानी के गर्म होते ही हम इसमें स्टैंड रख देंगे। अब बिना सीटी लगाए ढक्कन बंद करके 15 मिनट के लिए स्टीम कर देंगे। 15 मिनट बाद गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इडली को चेक कर लेंगे। देखिए, इडली अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इडली को डीमोल्ड कर लेंगे। देखिए,
रेडी है हरे मटर की इडली।